व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो दोस्तों ये है रेडमी नोट 10 प्रो, आपको पता ही है। और इसमें दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं कुछ सवाल जिसका दोस्तों देना है जवाब। तो दोस्तों सवाल जो है ये है, सबसे पहला सवाल जो आया है दोस्तों ये है अहमद भाई का। इनका सवाल है कि MIUI 13 का जो नया कंट्रोल सेंटर है वो कैसे आएगा। दूसरा भाई कुमार भाई का, इनका सवाल है कि भाई 13 तो कर लिया लेकिन कोई कोई ऐप वर्क नहीं करता है। तीसरा सवाल है स्पीकर से फटाफटा आवाज़ आता है भाई का, टेक्निकल पवन भाई का। और यहाँ पर गेमर भाई का सवाल है, टीएस गेमर भाई का, कि इनका सवाल है कि इनका जो सिम है एयरटेल वाला वो 2G से 3G में रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब स्विच हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पर रोज गेमिंग भाई का सवाल है, इनका सवाल है कि वॉइस चेंजर जो है इनका नहीं आ रहा है गेम टर्बो में, तो उसको कैसे ऑन करें। यहाँ पर एक भाई का सवाल है राज भाई का कि टूल बॉक्स जो है, वीडियो टूल बॉक्स जो इस तरह से आता है वो नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे ऑन करें। यहाँ पर टिंकू शाहू भाई का सवाल है कि MIUI 13 में क्लियर कैच का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया, तो उसको कैसे करना है। और यहाँ पर फिर से अहमद भाई का सवाल है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का जो आइकॉन आता था या फिर बैटरी ऑप्टिमाइज़ करते थे तो वो चीज़ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ को कैसे लाएंगे। तो इस तरह के कुछ सवाल के साथ दोस्तों आया है आज, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल जो है, कोई भी ऐप वर्क नहीं करता। तो अगर कोई भी ऐप वर्क नहीं करता और MIUI 13 आप इंस्टॉल किए हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कोई जो ऐप ऑन नहीं हो रहा उसमें ऐसे दाब के रखना है, उसके बाद उसके ऐप इन्फो में जाना है इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों क्लियर का ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियर का, इसको बस दाबना और क्लियर ऑल डेटा कर देना है, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर देना। दूसरा सवाल जो आया था, स्पीकर फटाफटा आवाज़ आता है या फिर कभी डस्ट घुस जाता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से आना है गूगल में, क्लियर स्पीकर लिखना है दोस्तों, इस तरह से आएगा। सबसे ऊपर में फिक्स माई स्पीकर पर आना है और यहाँ पर ये वाला को ऑन करना है, इस तरह से आवाज़ आएगा दोस्तों। तो देख लीजिए, इस तरह से आवाज़ आएगा और आपका स्पीकर क्लियर हो जाएगा, जो फटा हुआ आवाज़ है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो सवाल था दोस्तों कि आपका जो एयरटेल सिम है वो 2G से 3G 4G 5G इस तरह का, मतलब 4G तक स्विच होता था, तो उसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको आना है अपने डायल पैड में। यहाँ पर डायल पैड में आना है *#*#4636#*#*#, इतना क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन इन्फो 1 फ़ोन इन्फो 2, यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ दिया गया है, तो आपका एयरटेल किस में लगा हुआ, सिम 1 में लगा हुआ है तो इन्फो 1 में जाना है, 2 में लगा है तो 2 में जाना, मान लीजिए 2 में लगा है तो चलिए 2 में जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर आना है दोस्तों और यहाँ पर LTE ओनली कर देना है, ठीक है। यहाँ पर LTE ओनली अगर आप कर देंगे जैसे हम कर देते हैं तो ये सिर्फ 4G पे रहेगा, लेकिन ये वर्क तभी तक करेगा जब तक आपका फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ है। अगर रिस्टार्ट हो जाएगा या फ़ोन ऑफ होके ऑन हो गया तो ये वर्क करना बंद कर देगा, तो फिर से आपको इस तरह से सेटिंग करना होगा। अब बात करते हैं चौथा सवाल का कि वॉइस चेंजर आपका वीडियो टूल बॉक्स में काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आना है हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों ये 3 फाइल आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। वो 3 फाइल के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइल मैंने कल दिए हैं, जैसे दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, तो प्लगइन को मत करिएगा, यहाँ पर गैलेक्सी है, ये गैलरी को कर लीजिए, फाइल मैनेजर को कर लीजिए, Alpha 13 को कर लीजिए, सिक्योरिटी को कर लीजिए और वेदर को कर लीजिए। सिक्योरिटी को जैसे ही करेंगे दोस्तों तो बस इस तरह से आएगा और यहाँ पर दोस्तों गेम टर्बो ऑन हो जाएगा, जिस तरह होता है दोस्तों आप लोग देख लीजिए, गेम स्पेस के नाम से आएगा, आपको नया वाला गेम टर्बो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट में आना है, स्टार्ट में जैसे ही आएंगे दोस्तों तो देख लीजिए यहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए वॉइस चेंजर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वॉइस चेंजर कर रहा है और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अलाउ परमिशन आपको करना होगा, अलाउ, उसके बाद दोस्तों ये वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हो रहा है, आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस भी आप खुद से इस बार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो चलिए BGMI को बंद करते हैं। तो भाई आप मेरा बात समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है, तो टेलीग्राम में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए। आप वीडियो टूल बॉक्स नहीं आ रहा है तो वही वाला जो है दोस्तों सिक्योरिटी उसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों सेटिंग में आना है, सेटिंग में इस तरह से जैसे आ जाएंगे उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों स्पेशल फीचर्स में आना है और यहाँ पर देखिए साइड स्लाइडर में आएंगे दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, बस
आपको दोस्तों जो ऐप पे चाहिए यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर आइए, वीडियो ऐप दिख रहा है ना, वीडियो ऐप में जाइए और जो ऐप में आपको चाहिए वीडियो टूल बॉक्स, जैसे मैंने यूट्यूब में किया हुआ हूँ FM रेडियो वगैरह, तो दोस्तों जैसे ही मैं ओपन यूट्यूब यहाँ पर ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरा वीडियो टूल बॉक्स आ जाएगा जो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों MIUI 13 क्लियर कैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, MIUI 13 क्लियर कैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए दोस्तों कंट्रोल सेंटर एक्टिविटी लॉन्चर से ऐसे तो नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा, देखिए क्लियर कैच का ऑप्शन यहाँ से आ गया, आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप वो वाला जो है मैंने दोस्तों बताया है आपको, आपको क्या करना है दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर को ऑन करना है। एक्टिविटी लॉन्चर को किस तरह ऑन करना है देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर इसको ऑन करते हैं दोस्तों, इस तरह से एक्टिविटी लॉन्चर को ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों ऐप वॉल्ट में जाना है, दूसरा वाला में यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में, देखिए यहाँ पर बिजनेस होम पेज पिकर होम एक्टिविटी ये वाला लिखे रहेगा, इसको दोस्तों ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ओपन करने से पहले मैं बोलूँगा आपको कि इसका दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट बना लेना है, देखिए क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह का कुछ आइकॉन आ जाएगा, देखिए ये वाला आइकॉन आ गया है। अब इसमें दोस्तों क्लियर कैच का करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे नीचे जाना है और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों जाएंगे, देखिए ऐप विथ मल्टीपल विजेट, तो दोस्तों जो आपका सिक्योरिटी वाला कैच वाला है दोस्तों वो आएगा सिक्योरिटी के अंदर, इसके अंदर आना है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह का दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह का दिया गया है, तो दोस्तों ये वाला जो है देखिए ट्रेस बिन और क्लियर कैच ये वाला दोस्तों आपको ऑन करना है। इसको कैसे करना है, इसको इस तरह से लाना है दाब के दोस्तों और यहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको छोड़ देना है, जैसे यहाँ पर छोड़ देना है, तो यहाँ पर जैसे ही छोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ, तो दोस्तों इस तरह से ये दोस्तों क्लियर कर देगा, देखिए यहाँ पर कैच फाइल दिख रहा है आपको, ये कैच फाइल दोस्तों दिख रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो दोस्तों इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सिक्योरिटी में आना है, ठीक है, सिक्योरिटी में इस तरह से आना है, देख लीजिए मैं सिक्योरिटी में यहाँ पर आ गया, ऊपर तीन डॉट पे आना है, तीन डॉट पे जैसे ही आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना है, तीन डॉट पे आने के बाद देखिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल गया, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आइए और अपना दोस्तों ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। लेकिन एक दोस्तों बोनस चीज़ आपको दिखाते हैं कि नया वाला जो सेटिंग है दोस्तों सिक्योरिटी है, सॉरी नया वाला जो सिक्योरिटी है उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एक नया चीज़ मिलेगा दोस्तों, जिसके वजह से मेरा बैटरी ड्रेन जो है नाइट में 1% होता है, वो क्यों होता है दोस्तों आपको दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों आएंगे सेटिंग में, तो दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पर सेंसियर लिख रहा है, तो यहाँ पर आएंगे तो स्मार्ट एक्सेस लिख रहा है, अब इसमें क्या लिखा है आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों व्हेन MIUI डिटेक्टेड दैट यू आर स्लीपिंग इट विल क्लोज बैकग्राउंड ऐप रिस्ट्रिक्ट ब्लूटूथ GPS मोबाइल डेटा वाईफाई यूजेस एंड अदर ऑन। तो दोस्तों इस तरह का मतलब यहां पर आपको अगर फोन आप यूज नहीं कर रहे बहुत देर तक तो ये खुद भी खुद स्लिप मोड में चल जाएगा दोस्तों आपका फोन, तो इसको ऑन कर लेंगे तो आपका बैटरी बहुत बचेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1% मेरा बैटरी ड्रेन होता है पूरे का पूरा नाइट में, तो दोस्तों उसको कैसे करना है आपको समझ में आ गया, यहां पर सिक्योरिटी में आना है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आना है, लास्ट में आना है और दोस्तों इसको ऑन कर लेना है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये जो कंट्रोल सेंटर है ये नहीं आ रहा है और यहाँ पर स्मार्ट हब भी है दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे करना है उसके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम में आप जैसे ही आ जाएंगे तो मैंने बताया था कि तीन चीज़ मैं दिया हुआ हूँ, यहाँ पर कास्ट का है, प्लगइन का है और स्मार्ट सेटिंग, ये तीनों को दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग में आइए, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं, सेटिंग में जैसे आ गए आप नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर में आएंगे, नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा जो आपको दोस्तों अगर ये वाला करेंगे तो पुराना वाला आएगा, ये करेंगे नया वाला आएगा और नया वाला ऑन हो ही जाएगा, जैसे दोस्तों मेरा आ रहा है इस तरह का आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है स्मार्ट हब मी सेंटर और इस तरह का जो भी है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एडिशनल कार्ड का एक फीचर ऐड हो गया है जिसमें दोस्तों मी स्मार्ट पे मी स्मार्ट हब स्मार्ट होम, तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, तो नीचे में दोस्तों आपको एक नया एडिशनल कार्ड का फीचर्स देखने को मिलेगा,
तो दोस्तों यही कुछ था जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है Redmi Note 10 Pro से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जल्द से जल्द उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में फिर से पूछिए दोस्तों, हम आपको फिर से जवाब देंगे। और दोस्तों टेक न्यूज़ हमारा देखा करिए, वहाँ पर हर एक मेरे जो भी है फैमिली मेम्बर जो दोस्तों यूट्यूब में है उनका एक सवाल लेता हूँ, कल एक भाई का लिया था, आज भी एक भाई का लूँगा, तो जो भी सवाल है जल्द से जल्द करिए ताकि आपका क्वेश्चन हम ले सके वहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।